चलिए एक बोर्ड बनाना सीखेंगे। देखिए यह एक छोटा सा बोर्ड है, इसमें इस बोर्ड में लगा है दो तीन स्विच, एक होल्डर और एक इंडिकेटर और एक 5 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है। और इसको हम बनाना सीखेंगे किस प्रकार इसका कनेक्शन करेंगे बिल्कुल जीरो से। आप वायरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो आप आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरिंग का हमारा नियम होता है, कोई भी वायरिंग हम करते हैं तो उसके 3 नियम होते हैं और इसी 3 नियम को हम समझने के लिए इस बोर्ड का वायरिंग करने के लिए इसी 3 नियम को फॉलो करेंगे। इस बोर्ड के बाद जितना भी इस नियम को समझने के बाद इस बोर्ड से जितना भी बड़ा बोर्ड रहेगा, चाहे बोर्ड में कितना भी स्विच सॉकेट इंडिकेटर लगा रहेगा तो भी वायरिंग कर लेंगे। और उसके बाद छोटा हो चाहे बड़ा बोर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियम से वायरिंग करेंगे। तो देखिए यह है हमारा छोटा बोर्ड और इसका कनेक्शन करेंगे। पहला नियम देखिए, मेन लीड का वायर है, मेन लीड का वायर है, इधर प्लग एक रेड है एक ब्लैक है, रेड फेस है और ब्लैक न्यूट्रल है। पहले इसका कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का नियम से। न्यूट्रल का वायर मेन लीड का एक न्यूट्रल का वायर ले लेंगे। वायरिंग का नियम होता है सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें उपकरण क्या है, होल्डर है, इंडिकेटर है, 5 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट है। उपकरण कहते किसे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ा जाता है तभी वो कार्य करता है, उसे उपकरण कहते हैं। तो चारों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। मेन लीड का वायर है, एक और ले लेते हैं न्यूट्रल का वायर और इसमें जोड़ लेंगे, उसको छीन लेते हैं स्टिपर से। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये इंडिकेटर है उपकरण, किसी एक पॉइंट में इंडिकेटर में जोड़ लेंगे। अब इसको टाइट कर लेंगे इसको ड्राइवर से। अब इसको टाइट करने के बाद ये होल्डर है, ये भी उपकरण है, इसमें भी न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। इसको भी छीन लेंगे। होल्डर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसको टाइट कर लेंगे उसको ड्राइवर के मदद से। अब टाइट हो गया। उसके बाद अब इसमें 5 पिन सॉकेट उपकरण है, इसमें भी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए इसमें एक पॉइंट पर यल लिखा हुआ है 5 पिन सॉकेट के और दूसरे पॉइंट में यल लिखा हुआ है, तो इसमें न्यूट्रल के पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे न्यूट्रल वाले टर्मिनल में। अब हो गया, इसको टाइट कर लेंगे इसको ड्राइवर से। और उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट है, ये भी उपकरण है, इसमें भी 2 टर्मिनल है, किसी एक टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ देंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। इसको टाइट कर। इसको टाइट कर लेंगे। सॉरी दोस्तों थोड़ा
ढीला हो गया है, इसको टाइट कर लेंगे। अब टाइट हो गया, अब न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया। न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए किसमें जोड़ा हुआ है, सबसे पहले जुड़ा हुआ है इंडिकेटर के एक पॉइंट में, उसके बाद होल्डर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, उसके बाद 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में जोड़ा गया है, उसके बाद 2-पिन सॉकेट के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। ये पहला नियम पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा नियम होता है मेन लीड के फेस के वायर को सभी स्विच के निचले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसमें 3 स्विच है, तीनों स्विच के निचले टर्मिनल में डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये भी स्विच है, ये दोनों स्विच है। एक और रेड वायर ले लेते हैं, इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे फेस का वायर, क्योंकि इंडिकेटर डायरेक्ट जलता है, तो सबसे पहले इंडिकेटर में जोड़ेंगे। अब उसको टाइट कर लेंगे इसको ड्राइवर से। उसके बाद सभी स्विच के निचले टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद दोनों स्विच के निचले टर्मिनल में फेस का वायर जोड़ेंगे। दो स्विच है, इसको छीन लेंगे। इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद इस स्विच के भी निचले टर्मिनल में जोड़ देंगे फेस का वायर। अब ये दूसरा नियम पूरा हो गया। मेन लीड के फेस के वायर को सबसे पहले इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ा गया है, उसके बाद तीनों स्विच के निचले टर्मिनल में जोड़ दिया गया है। अब तीसरा नियम होता है वायरिंग का, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। तीनों स्विच का एक एक पॉइंट बाकी है, उसके बाद तीनों उपकरण का एक एक पॉइंट बाकी है। जैसे 2-पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, उसके बाद 5-पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, उसके बाद होल्डर का एक पॉइंट खाली है। तो स्विचों के बचे हुए एक एक पॉइंट से और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण चालू और बंद होगा। देखिए बल्ब है, बल्ब का कनेक्शन इस स्विच से कर देंगे, किसी भी स्विच से कर सकते हैं। ये भी स्विच है, इसी स्विच से बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। अब बच गया है 2-पिन सॉकेट और 5-पिन सॉकेट, दो स्विच भी बचा हुआ है एक एक पॉइंट जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले 5-पिन सॉकेट से जोड़ेंगे।
किसी भी स्विच से जोड़ सकते हैं, दो स्विच खाली है। अभी जुड़ गया, उसके बाद अभी एक 2 पिन सॉकेट खाली है, उसके बाद एक 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है। अभी स्विच से जोड़ देंगे। अब वायरिंग का तीसरा नियम पूरा हो गया। तीसरा नियम में क्या हुआ, स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए मेन लीड का वायर है, अब इसको चेक करेंगे तो इसका जलेगा इंडिकेटर। देखिए बोर्ड है, इसमें लगाएंगे, देखिए इंडिकेटर जल रहा है। इसमें बल्ब लगा देते हैं, देखिए जलेगा, देखिए ग्लो कर रहा है, चालू बंद हो रहा है। उसके बाद 5 पिन सॉकेट और 2 पिन चेक करेंगे, 2 पिन सॉकेट। देखिए होल्डर बल्ब है, 5 पिन सॉकेट में पहले लगाते हैं। मिल रहा है, देखिए बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, यही है। और 2 पिन चेक करेंगे, देखिए बल्ब जल रहा है, इसी तरह बोर्ड का वायरिंग होता है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।